हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बजाज पल्सर 160N नए मॉडल के बारे में, और साथ ही साथ कुछ इसका अपडेट भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इस नए वाले मॉडल में आपको क्या क्या अपडेट मिल रहे हैं और क्या क्या चेंजेस मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इससे पहले बजाज ने पल्सर F250 और N250 दो मॉडल लॉन्च किए थे न्यू जनरेशन में, नेक्स्ट जेन पल्सर जिसे बोल रहे हैं हम लोग। और उसके साथ ही अभी कुछ दिन पहले 160 सेगमेंट में लॉन्च कर दिया है बजाज ने N160 मॉडल। दोस्तों, इसमें दो वेरिएंट्स मिलेंगे, एक ब्रुकलिन ब्लैक मिलेंगे, उसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाएंगे, और उसके अलावा ये ब्लू कलर रेसिंग रेड और टेक्नो ग्रे कलर जो ये आपके सामने है, इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलेंगे। अगर हम लोग इसकी प्राइस की बात करें तो ये रांची झारखंड में 150,000 ऑन रोड प्राइस है सिंगल चैनल ABS का, और ड्यूल चैनल ABS का 154,000 ऑन रोड प्राइस रांची झारखंड में है। और इसमें आपको 164cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्शन BS6 इंजन मिल जाता है, जो 15.68 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है 8750 RPM में, और 14.65 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 6750 RPM में। और इसके साथ इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है, इसमें 6 स्पीड का कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि 250cc सेगमेंट में भी जाइएगा तो आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा, उसमें भी 6 स्पीड गियरबॉक्स नहीं दिया गया है। और इसमें चेन ड्राइव के साथ वेट मल्टीप्लेट क्लच यूज होता है। फ्रंट में आपको इसमें 280mm का सिंगल चैनल ABS डिस्प्ले मिल जाता है 17 इंच एलॉय व्हील के साथ, 100 नंबर का टायर फ्रंट पर डाला हुआ है, और फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन 31mm का इसमें आपको मिल जाएगा देखने को। और जो एलॉय व्हील है वो पल्सर NS सीरीज का ही लिया गया है एलॉय व्हील। और रियर में आपको पीछे में 230mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है 17 इंच एलॉय व्हील के साथ, 130 नंबर का टायर डाला हुआ है पीछे, और दोनों ही टायर आपका MRF कंपनी का है और ट्यूबलेस है। और पीछे में आपको मोनो सस्पेंशन दिया है नाइट्रोक सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्बर के साथ, और इसमें आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिल जाता है पल्सर NS 200 160 जैसा अंडर बेली एग्जॉस्ट। जो मुझे पर्सनली कलर पसंद है वो ब्रुकलिन ब्लैक कलर इस गाड़ी में पसंद है, फुली ब्लैक कलर है वो, काफ़ी बढ़िया कलर दिखता है। और इसके साथ स्प्लिट सीट मिल जाता है, ग्रेबरेल दोनों साइड मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्प्लिट सीट काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है पहले से। और इसके अलावा इसमें आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, 2.8 लीटर रिजर्व रहता है, और साइड में आपको पैनल में पल्सर का 3D प्रोग्राम मिल जाएगा। और इसके साथ ही USB चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे आप मोबाइल चार्जिंग के लिए कर सकते हैं। और इसका इन्फिनिटी डिस्प्ले है, डिजिटल मीटर एनालॉग मीटर कॉम्बाइंड सिस्टम, इसमें आपको नॉर्मल हैंडल बार मिलेगा, क्लिप ऑन हैंडल बार नहीं मिलेगा। और इंजन किल स्विच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और लेफ्ट साइड में अपर डिपर पासिंग स्विच सेल्फ स्टार्ट और हॉर्न का स्विच मिल जाता है। और इस गाड़ी की अगर वेट की बात की जाए तो ये लगभग 152 kg इसका ड्राई वेट है इस गाड़ी का। और फ्रंट में इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, और रियर में भी आपको LED बैकलाइट मिलेगा, और इंडिकेटर जो है वो नॉर्मल है। वही 250cc सेगमेंट में आप चले जाइए पल्सर में तो उसमें आपको LED इंडिकेटर भी मिलता है। और इसके अलावा इस गाड़ी में आपको 1358mm का व्हील बेस मिल जाता है, और ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है 165mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और जो सीट हाइट है वो भी बढ़िया है, स्पोर्टी जैसा बाइक है वैसा उसको देखते हुए सीट हाइट बढ़िया दिया है, 795mm का सीट हाइट है जो कि बढ़िया है। और बजाज ने इस गाड़ी में 3 साल की वारंटी दी है, या फिर 30,000 किलोमीटर जो सबसे पहले आए
उसे वारंटी दी है बजाज ने, और इसे आप फिनांस भी करा सकते हैं कम डाउन पेमेंट दे के, लगभग 40,000 दे के इसे आप फिनांस करा सकते हैं। रेस्ट ऑफ ईएमआई 2 साल 3 साल और मैक्सिमम 4 साल के लिए आएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच।